नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शुक्ला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बिजनेस स्ट्रीट में। बिजनेस स्ट्रीट में इस हफ्ते हम आपको बताएंगे ऑटोमोबाइल ब्रेक शू बनाने वाली कंपनीज के बारे में, देखेंगे कि ये किस हालात में चल रही हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है इस बार बिजनेस स्ट्रीट में। यदि आप एक उद्योगपति हैं और अपने बिजनेस में कच्चे माल या मशीनरी के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आप बायर्स क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह आपको ज़रूर सस्ता पड़ेगा। भारत के कई लघु और मंझोले उद्योग भारी मात्रा में मशीन और कच्चा माल आयात करते हैं। इन्हें आयात करने के लिए उन्हें बैंक से लोन भी लेना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें एक मोटी रकम ब्याज के रूप में चुकानी पड़ती है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रमोटर्स बैंक से अगर फॉरेन एक्सचेंज लोन लें तो ब्याज कम होगा। आरबीआई ये अलाउ करता है कि आप जो रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आप एक साल का बायर्स क्रेडिट ले सकते हैं, और जो कैपिटल गुड जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आप 3 साल का बायर्स क्रेडिट ले सकते हैं। बायर्स क्रेडिट इज़ ए वेरी सिंपल मेथडोलॉजी एंड इट इज़ ए वेरी चीपेस्ट मेथडोलॉजी टू रेज फॉरेन एक्सचेंज लोन एट ए कॉस्ट विच इज चीपर देन ईसीबी ऑल्सो। आज के दिन जो रेट चल रहा है, साल भर का यदि आप बायर्स क्रेडिट लेते हैं तो लाइबर प्लस 1.5 से 2% के बीच में आपको पैसा मिलता है। लाइबर यदि आपका 0.5% है, यदि आप 1 से 1.5% के बीच में यदि बैंक का स्प्रेड भी मान लेते हैं तो 1.5 से 2% के बीच में, 2 से 2.5% के बीच में आपको लगभग आपको पैसा मिल जाता है। उसके बेसिस में यदि आप एक हेजिंग कॉस्ट यदि आप और ऐड कर लेते हैं, हेजिंग खर्चा यदि साल भर का यदि 7% भी है तो 7 + 2% इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 9% में आपका कॉस्ट ऑफ फंड आ जाता है। तो जहां आप 12-13% जो इंटरेस्ट कॉस्ट था वो आपका 9-9.5% विदाउट एनी एफर्ट आपने अपने इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के अगेंस्ट में आप बायर्स क्रेडिट ले सकते हैं। कच्चा माल खरीदने के लिए ही नहीं, मशीनों की खरीदारी में भी बायर्स क्रेडिट लेना फायदेमंद होता है। यदि कोई प्लांट एंड मशीनरी कोई चीज़ यदि आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए रुपी टर्म लोन, आप उसे यदि 3 साल का आप उससे गारंटी लेके यदि आप बायर्स क्रेडिट ले लेते हैं जो 3 साल के लिए मिलता है, तो 3 साल के लिए आपको पैसा 9% में मिल गया। और उसके बाद यदि आपका 3 साल का यदि और भी टर्म लोन रह जाता है आफ्टर 3 ईयर्स ऑल्सो, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इंटू रुपी टर्म लोन। सपोज कर लीजिए यदि आपने 6 साल का टर्म लोन सैंक्शन कराया बैंक से या 7 साल का टर्म लोन सैंक्शन कराया, उसमें पहले 3 साल में आपने बायर्स क्रेडिट ले लिया, पहले 3 साल में आपने बायर्स क्रेडिट ले लिया, 3 साल बाद में वो लोन जो है आपका रुपी लोन में कन्वर्ट हो गया, तो आपका जो रिमेनिंग जो 4 ईयर्स है वही सिर्फ 12-13% में रहा और पहला 3 साल आपका 9% में आपको पैसा मिला। तो इस तरीके से आपने अपना कॉस्ट ऑफ फंड भी कम कर लिया और एक आपने एक नए इंस्ट्रूमेंट का फायदा उठाया। इसीलिए लोन लेते समय एसएमई प्रमोटर्स अगर थोड़ी प्लानिंग करें और परिस्थितियों के अनुसार लोन लें तो उनका लोन सस्ता हो सकता है। आज भारत में कई मल्टी ब्रांड शोरूम्स खुल रहे हैं, आइए देखते हैं इन्हीं की एक झलक। नगर हो, महानगर हो या शहर हो, भारतीय विशेषकर मध्यवर्गीय भारतीयों की और उनके बच्चों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं। ये मध्यवर्गीय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से जुड़े सामानों के हर विकल्प को पूरी तरह से परख लेते हैं,
नतीजतन आजकल एक ही छत के नीचे मल्टी ब्रांड स्टोर्स खुल रहे हैं। जो कस्टमर वैरायटी ढूंढ रहा है, जिसके दिमाग में एक सर्टेन प्राइस सेगमेंट है, लेकिन उस प्राइस सेगमेंट में वो वैरायटी ढूंढ रहा है, आज अगर वो एक ईबीओ में जाता है, एक तो उसको नाइकी में भी जाना पड़ेगा, एडिडास में भी जाना पड़ेगा, स्केचर्स में भी जाना पड़ेगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही मार्केट में सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हो। तो उस कस्टमर के लिए हम लोग एक रूफ के अंडर सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ में हैं। अगर रनिंग का जूता चाहिए तो रनिंग का जूता है, सॉकर का जूता चाहिए तो सॉकर का जूता है, और कस्टमर सारे ब्रांड्स एक साथ कंपेयर कर सकता है और उनके अपनी प्राइसिंग के हिसाब से, जो उनके दिमाग में प्राइस है उसके हिसाब से चूज़ भी कर सकता है। ये देखिए, इस स्टोर में सारी इंडस्ट्रीज यानी खरीदारों को हर विकल्प उपलब्ध है। यही नहीं, ये हर तरह के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। ऐसे स्टोर्स अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, इसीलिए इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। पैन इंडिया प्रेजेंस है हमारा, ज्यादातर स्टोर्स अभी नॉर्थ में है हमारे, और नॉर्थ में भी दिल्ली एनसीआर में हमारे 15 स्टोर्स हैं अभी तक। तो ये सिनेरियो है, गोइंग फॉरवर्ड हम लोग फिर सब पैन इंडिया हम लोग एक्सपैंड करने की स्ट्रैटेजी है हमारी। फ्रॉम अबाउट 59 स्टोर्स टू 250 स्टोर्स इज़ वेयर वी वांट टू गो इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, उसका प्लान हमने पूरा चॉक आउट कर लिया है। और इसके बीच में हम लोग कुछ फ्लैगशिप स्टोर्स भी खोलेंगे जो बड़े फॉर्मेट में होंगे, और जिसमें हम लोग हर ब्रांड की प्रॉपर पूरी असॉर्टमेंट अपैरल के साथ, एक्सेसरीज के साथ, इक्विपमेंट के साथ डिस्प्ले कर पाएंगे।